न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए सुरेश पचौरी जो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, सबसे बड़ी खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव 2024 अब सबसे करीब है। लेकिन इस बीच आप देखिए एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ कांग्रेस पार्टी को, चार बार राज्यसभा के सांसद वो रह चुके हैं, चुने गए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको मंच पर मुझे दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं और वो खुद यहां पर अब औपचारिक तौर पर, चूंकि पहले ही खबर मिल गई थी, न्यूज 18 इंडिया ने वो खबर आपको दिखाई थी कि आज सोर्सेज ये बता रहे सुरेश पचौरी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में और अब औपचारिक तौर पर ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि सुरेश पचौरी आखिर है कौन, उनका आप राजनीतिक जो करियर है वो देख लीजिए, बहुत वरिष्ठ नेता ये कांग्रेस के अभी तक माने जाते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। ये तस्वीर इस लिहाज से सबसे बड़ी है 2024 लोकसभा चुनाव में जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है वो यहां से और ज्यादा पुख्ता और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सुरेश पचौरी जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और एक और प्रश्न चिन्ह उठाती हुई ये तस्वीर इसीलिए है क्योंकि एक एक करके तमाम ऐसे कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं जिनका पार्टी से किसी ना किसी रूप में मोह भंग हो चुका है, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब एक के बाद एक ये कारवा भी लगातार चलता जा रहा है। और अब देखिए खुले दिल से कैसे स्वागत किया जा रहा है सुरेश पचौरी का भारतीय जनता पार्टी में, तमाम यहाँ पर दिग्गज हैं। मनोज हमारे साथ मौजूद है, मनोज तस्वीरें अब औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। जो खबर है उस पर पूरी तरह से मोहर लग गई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको बकायदा यहाँ पर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन हुई है। साथ ही साथ जो पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह का राजू खेड़ी, उन्होंने भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस छोड़कर। विशाल पटेल कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इंदौर के कद्दावर नेता माने जाने वाले कांग्रेस के लिए, इसके पहले पूर्व विधायक रहे हैं संजय शुक्ला, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी से एक बार चुनाव जीते थे अर्जुन पलिया और बाद में कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस के ही नेता थे, सुरेश पचौरी के करीबी थे, उन्होंने भी अभी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारी होनी है, कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया, जबकि बीजेपी अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार सामने नहीं आया और ऐसे में लगातार पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, जो कि मतलब आगे चल के हो सकता था कि इनमें से कोई लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहा होता, ये कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। बिल्कुल मनोज, और खास तौर पर अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से भी देखा जाए, वरिष्ठ नेता तो वो हैं ही, उनका एक बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन ब्राह्मणों में गहरी पैठ उनकी रही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ से तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा खास तौर पर। देखिए बड़ा नुकसान दो तरह से, एक तो बड़े ब्राह्मण नेता हैं सुरेश पचौरी, साथ ही जैसे उनके साथ के अर्जुन पलिया का महाकौशल इलाके में, पिपरिया इलाके में एक अच्छा प्रभाव है। दूसरा आप एक बड़ा नाम इसमें जो है वो धार सीट है, जो धार सीट जहां भी विधानसभा में कांग्रेस का जो धार जिले में परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, जो थोड़ा बेहतर था, वहां से जो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी है, ये पूर्व सांसद रहे हैं, इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी थी तभी वहां से सांसद बने थे, उनका जाना भी एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ऐसा मानती है कि उसके पास एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी उस आदिवासी अंचल से, खासतौर पर धार की जो आदिवासी लोकसभा सीट है, जहां पर आदिवासी बहुल लोकसभा सीट है, वहां से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी एक बड़ा झटका है। तीसरा संजय शुक्ला, वो भी बड़े ब्राह्मण नेता, साथ ही साथ इंदौर जो मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है, वहां पिछले चुनाव में संजय शुक्ला एक कठिन चुनाव जीते थे और इस बार संजय शुक्ला ने सीधा सीधा कैलाश विजयवर्गीय के सामने बतौर उम्मीदवार खड़े हुए थे और एक अच्छा चुनाव लड़ा था, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के उस समय पूर्व महासचिव थे, उनके सामने वो चुनाव हार गए। लेकिन संजय शुक्ला इंदौर में या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लिए ठीक है, आप बने रहिए मनोज हमारे साथ, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हुई कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अब इस चुनाव में और ज्यादा यहाँ पर मैदान में उतरने वाली है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि खुले दिल से बीजेपी स्वागत कर रही है
हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक नेता नहीं है जो यहाँ से शामिल हो चुके हैं सुरेश पचौरी, बल्कि जैसा मनोज भी बता रहे हैं और भी दिग्गज नेता जो कांग्रेस छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखिए मिठाइयां खिलाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है खुले दिल से। मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, क्या कारण रहा कि 56 साल तक कांग्रेस पार्टी को वहां मजबूत करने वाले सुरेश पचौरी का मोह भंग हो गया, और क्या राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए तो क्या भांप नहीं पाए इस नाराजगी को? तो राहुल गांधी की जब यात्रा हुई तब एक बार पहुंचे, लेकिन ये अटकलें यहाँ काफी दिनों से चल रही थी, क्योंकि सुरेश पचौरी का एक जो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उनके साथ भी उसकी पटरी नहीं बैठ रही थी। तो मध्य प्रदेश के लिए देखिए कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें खत्म हो पाई थी, कि एक सामने अटकल नहीं, अब ये यकीनी तौर पर सामने दिख रहा है कि कांग्रेस के मतलब एक चुनाव जो लड़ा था मध्य प्रदेश में, सुरेश पचौरी प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरा चुनाव लड़ाया था, चार बार राज्यसभा। आप सोचिए कि पार्टी के कितने कर्मी होंगे, उस समय कांग्रेस का समय था और कांग्रेस मतलब जो गांधी परिवार की तरफ से लोग जब तय होते थे उस समय इतने करीबी थे गांधी परिवार के सुरेश पचौरी, उनको लगातार चार बार राज्यसभा में भेजा गया। इस तरह की मतलब इस तरह की मिसाल आपको मध्य प्रदेश में किसी दूसरे कांग्रेस नेता की नहीं मिलेगी कि लगातार चार बार राज्यसभा में भेजा जाना। तो ये लोकसभा चुनाव के पहले चाहे वो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी हो, चाहे वो सुरेश पचौरी हो या अर्जुन मुंडा हो, ये तमाम नेता कांग्रेस के लिए एक बड़ा असर थे। लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की थोड़ी सी भी जैसे हम कहें कि स्थिति बेहतर होती धार जिले में या जैसे भोपाल ही है, भोपाल में अब देखिए कांग्रेस बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा एक ब्राह्मण उम्मीदवार है, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब बीजेपी के जब ब्राह्मण प्रत्याशी है आलोक शर्मा, उस समय सुरेश पचौरी जो कि सबसे बड़े नेता थे भोपाल के कांग्रेस के, वो भी अब बीजेपी में जा चुके हैं। मनोज, क्या यहाँ से समझ में आता है उन यहाँ से क्या बीजेपी खासतौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे सकती है ऐसे वक्त में जब अभी सूची और भी आना बाकी है, या फिर ग्राउंड लेवल पर जो प्रचार किया जाएगा उसमें एक बड़ा चेहरा वो हो सकते हैं? ये सभी लोगों को बीजेपी ये एक साइकोलॉजिकल जैसे कहें मनोवैज्ञानिक दबाव तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस के ऊपर बन गया है, क्योंकि अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों युवा नेता हैं, दोनों को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, एक अध्यक्ष है एक नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन मनोवैज्ञानिक अगर युद्ध की बात करोगे, साइकोलॉजिकल वॉर की बात करोगे, तो ये ऐसे लोग हैं कि इंदौर की सीट पर अब कांग्रेस के पास लड़ने के लिए एक बड़ा एक बहुत बहुत लंबा राजनीतिक सफर उनका कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन आखिरकार मोह भंग हो गया। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए